अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक और नया तरीका बताएंगे, कालर खुद ही कटिंग कर सकते हैं आप बुकरम से, जितना आपने तैयार करना वाग वाई तरीका बता देंगे। इस तरीके से फिर आप 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे दोस्तों, जो हमारा छोटा हमने कालर तैयार करना है, छोटा पीस हमने तकरीबन 12 इंच 12 का कालर तैयार करना बुकरम का, ये हमारा 14 इंच का पीस है बुकरम का। इसलिए दोस्तों आपने 7 इंच और 2 इंच के दो पीस कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर ले, फिर आपने इसको त्रिशा थोड़ी सी जिस तरह से कालर की नोक होती है इस तरीके से थोड़ा सा देखो त्रिशा कटिंग कर लीजिएगा। और जितना आपका कालर होगा, हमारा कालर है 12.5 इंच, हमने तैयार करना तकरीबन 12 इंच हम तैयार करेंगे इसको जी। इस तरीके दोस्तों हम इसको जितना हमारा कालर है हम कालर का पीस को पेमैश कर लेते हैं जी। इस तरीके दोस्तों आप इसकी पेमैश कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि जे आपने इसको निशानों को बराबर रख कर इसको इस तरीके से देखो त्रिशा कटिंग कर लीजिएगा दोस्तों। जो हमारे कालर का बड़ा पीस है, इस तरीके से आपने यहाँ से गुलाई दे दें इसकी, आपने तकरीबन आपने जहाँ से हम जो हम नीचे से हम गुलाई इसको इस तरीके से दे देंगे और ऊपर से भी हम इसी तरीके दोस्तों आपने जहाँ से आपने तकरीबन 1.25 इंच पर आप इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा, दरमियान से जो आपके दरमियान होगा कालर का, ये हमारा 1.25 इंच का पीस है और जो हमारा 1.25 इंच पर निशान लगा लिया हमने जैसे कि दोस्तों। फिर आपने इसको गुलाई में कटिंग कर देना ऊपर से इसको, आपने थोड़ा सा इसको जी ऊपर नोक से लेकर और नीचे जो हम निशान लगाए जहाँ तक हम सिलाई को ये कटिंग करेंगे जहाँ तक, और इसके बाद हम इसको दोहरा कर लेंगे इस तरीके से, फिर इसको उसी गुलाई की तरह इसको कटिंग कर देंगे दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप जब चाहें आप कलर को आप कहीं से ना मिले तो आप इस तरीके से बड़ा कलर चाहे छोटा कलर हो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। ये हमारे ऊपर से जो हमारे कलर की शेप तैयार हो चुकी है और नीचे से भी हम इसको गोल कर देंगे इसको इस तरीके से, देखिए इसको हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे गुलाई की शेप में जैसे दोस्तों। फिर आप इसको भी इस तरीके से ही कटिंग कर दीजिए जिस तरीके से कालर की दोस्तों कटिंग होती है जी। देखें बगैर किसी पात्रें के मैंने ये आपको कालर कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके दोस्तों। फिर आप थोड़ा सा इसको होल दूंगी इसकी कटाई कर दें अंदर की तरफ से इस तरीके दोस्तों। आपने इसको होल जी इस तरीके दोस्तों आप इसको होल कटिंग कर दीजिएगा इस तरीके से। और ये दोस्तों हमारे जो कालर का पीस नक्शा है वो आप सामने तैयार हो चुका है बेहतरीन तरीके से, और ये हमारे बुकरम का दूसरा पीस है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले इसकी पेमैश कर लेंगे, इससे आपने तकरीबन साइड जो इसकी बैंक का पीस हो आपने 1.25 इंच कालर से इधर और 1.25 इंच दूसरी साइड पर से इसको कटिंग कर लेना है। निशान लगा लीजिएगा पहले इसको इस तरीके से 1.25 इंची पर, और 1.25 इंची पर जहाँ पर निशान लगा लीजिएगा जी। ये दोस्तों हमने जो इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जी। अब दोस्तों हमने बिल्कुल स्टेडी पट्टी कटिंग की हुई है, अब इसको हम नक्शा इसका बैन वाला नक्शा इसका बनाइए कालर का जो बैन वाला पीस होता है। इस तरीके से आपने साइडों से गुस्सा इसको कटिंग करना है इस तरीके से, देख लीजिएगा जिस तरीके दोस्तों आपने साइडों से इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से जी। इस तरीके दोस्तों आपने इसको कटिंग कर लीजिएगा, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से आपने इसको, अब नीचे से हमने तकरीबन 2 इंच तकरीबन 1.5 इंच छोड़ कर इस तरीके से आपने फिर हम अंदर की तरफ इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। आपने इसको दो सूत्र तकरीबन इसको आपने इस तरीके से कटिंग कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों हमारी वीडियो का आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारी मजीद वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। इसलिए दोस्तों आपने इसको कटिंग कर लीजिएगा जी। दोस्तों हमारा कलर है जो छोटा पीस हम तैयार करने का वो तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से आप बड़ा भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों हमने इसको जो कलर का पीस होगा और जो बैन का, उसके आपको तकरीबन 2 सूत्र का फ़र्क होना चाहिए। बैन का जो पीस है 2 सूत्र छोटा होना चाहिए कलर के पीस से चौड़ाई में। इस तरीके दोस्तों आप जहाँ से निशान लगा लीजिए जहाँ पर भी आप इसको हम कटिंग करेंगे जी। इसलिए दोस्तों आप इसको कटिंग कर लीजिए इस तरीके से, आपने इसको कटिंग कर लीजिएगा जिस तरीके से हम बैन कटिंग करते हैं, जिस तरह कालर हमारा शेप पहले में शेप में होता है, इस तरीके से आपने इसको दूसरे साइड पर इसको रख कर इसको कटिंग कर लीजिए बराबर जिस तरीके दोस्तों आप इसको कटिंग कर लें जी। ये कि दोस्तों हमने हमारा जो बैन का पीस भी कटिंग हो चुका है और हमारा जो कालर का पीस भी हमने कटिंग कर लिया है जी। देखें दोस्तों हमारा जो बेहतरीन तरीके से हमारी जो सेटिंग हो चुकी है जो बैन के पीस की और कालर के पीस हमारा, जो देखें आपको सामने नक्शा हमारा तैयार हो चुका है। इसलिए कि दोस्तों आप लोग इस आसानी से इसको कटिंग कर सकते हैं जी। देखें हमारा इस तरीके से हमारा जो कालर है वो तैयार हो जाएगा जी। देखें बहुत ही खूबसूरत इसकी नोकें तैयार हो चुकी है, ये भी बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा दोस्तों। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लीजिएगा जी। देखें बहुत ही
सिंपल सा तरीका हमने इसको आप कटिंग करने का तरीका बताया है, बगैर पाथरिंग के हमने जो कैसे करने का आपको तरीका बताया है। दोस्तों आप इस तरीके से आप कटिंग कर लें, जो इसके ऊपर आप डबल पीस बाद में कटिंग करके काले वाला भी लगा लें, और बैन वाला जो आपके पास कोई अगर एक्स्ट्रा बचा हो तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।